हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल मलाइट इज़ वंडरफुल। और मैं हूँ साथी। सो आज सुबह से मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और आज है नेक्स्ट डे, कल था मेरा बर्थडे। तो घर का हाल बहुत ही ख़राब है, अब देखो पूरा बिखरा हुआ घर है मेरा। और बात यह है कि कल ऐसे ही रात हो गया था, सोते सोते 11:30 हो गया था। और फिर मेरे हस्बैंड का अर्ली मॉर्निंग आज ड्यूटी था, मतलब वो निकले हैं घर से 4:30 बजे गए हैं ड्यूटी। तो सुबह उठी थी तो उनके लिए टिफ़िन बना दिया, मतलब टिफ़िन मतलब कल फ्राइड राइस थोड़ा सा ज़्यादा बन गया था, तो वो उन्होंने बोला कि वही दे दो और थोड़ा सा मुझे टमाटर की चटनी बना के दे दो उसके साथ। तो सिर्फ टमाटर का चटनी बनाया और उनको दे दिया, वो चले गए। फिर जैसे कि होता है सुबह उठने के बाद, तो मैं अभी इतना अर्ली मॉर्निंग क्या करूँ उठ के, तो आग लग गई तो उठने में लेट हो गई। और अभी देखिए टाइम हो रहा है 7:30 हो गया है। तो चलिए जस्ट अभी उठ के मैं थोड़ी सी फ्रेश हो गई हूँ, ब्रश व्रश कर ली हूँ, अभी चलिए थोड़ी सी चाय बना के पीते हैं, फिर करते हैं अपना घर का काम। तो मैं आई थी अभी किचन में चाय बनाने के लिए और देखा तो देखिए क्या हालत है मेरा, देख रहे हो आप, पूरा मस्टर्ड ऑयल का हाल क्या हुआ है, देखिए पूरा गिर गया है मुझे। अभी ये सब कुछ निकाल के मुझे ये बिल्कुल क्लीन करना पड़ेगा। ये है मेरा 1/2 लीटर की बॉटल और हस्बैंड लाए थे 1 लीटर का पाउच, तो हाफ इसमें है और हाफ देखिए इस पैकेट में है। तो हस्बैंड ने क्या किया है, देखिए इस साइड में कट लगाया था ना, और देखिए इस साइड में रबर लगाया है, देखिए तो ये ऐसे ऐसे वहाँ पे रखा था, तो हैज हो गया, गिर गया। तो मैंने बोला पूरा नहीं गिरा है, थोड़ा सा गिर गया है और पूरा ये हो गया। तो सोचिए क्या हालत है, जिस साइड में कट किया है उस साइड में नहीं बैंड लगाया। अभी सब कुछ क्लीन करूँगी और मैंने चाय भी बिठाया है और उस साइड में बेटू भी अभी उठ गई, तो उसे भी मुझे ब्रश करवानी। सो फ्रेंड्स, बेटू भी उठ चुकी है और मेरा चाय भी रेडी हो चुका है, तो मैं उसे अभी दे रही हूँ दूध और उसी के साथ मैं भी अभी चाय पी लूँगी। और उसे अभी खाने के लिए मैंने कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ दूध ही दिया है। और अभी मैं क्लीनिंग करूँगी घर का। तो कल जो लाइट वगैरह लगाई थी ना, वो एक देखिए फ्लावर के साथ गिर गई, क्योंकि इतना भारी था वो फ्लावर हैंडल नहीं कर पाया तो वो गिर गया। और वो सब कुछ मैंने खोल के रख दिया है, लाइट वगैरह। और अभी बिस्तर बेडशीट मुझे चेंज करना है, क्योंकि कल केक कटिंग के बाद ना जब हम लोग केक खा रहे थे तो बेटू ने बोला एक फ्लावर दो मुझे, तो फ्रिज में था ना, तो इतना क्रीम जो है ना बिल्कुल हार्ड हो चुका था, तो ऐसे उठाने के पूरा बिस्तर में लग गई, इसे इधर उधर 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 हो गया। तो फिर बिस्तर तो गया, फिर केक खाने के बाद जब मैं केक लेके फ्रिज में रखने जा रही थी वापस, तो पूरा केक मेरा नीचे गिर गया। मैंने तो वो दिखाया नहीं आप लोगों को, फिर मतलब पूरा केक मतलब ऐसे उल्टा तरीके से नहीं गिरा, ऐसे ट्रे के साथ ही गिर गया था, मतलब क्रीम के वजह से ना मेरा हाथ जो है बिल्कुल स्लिपरी हो गया था, तो इसी वजह से हाथ से छूट गया और गिर गया। तो पूरा एकदम साइड का जो क्रीम था वो लग गया, बस केक मेरा बच गया, वही है, वरना पूरा केक फेंकना पड़ता, ऐसा हाल हो गया था कल। और बेटू ने बिस्तर में बैठ के केक खा रही थी, आपने देखा जब हम लोग डिनर कर रहे तो पूरा लगा दिया था, तो मैंने सोचा चलो चेंज कर देती हूँ। और वैसे भी दिवाली में मैंने चेंज किया था, तो आज वैसे ही चेंज करना पड़ता। और बेडरूम का तो मैंने पहले ही कर दिया है और अभी करूँगी झाड़ू और पोछा। किचन का तो बर्तन भी मैंने रात को नहीं क्लीन किया था, ऐसे ही रख दिया था, क्योंकि मैंने बोला ना रात हो चुका था बहुत, तो सुबह उठ के ही मैं अभी क्लीन करूँगी। तो पहले मैं झाड़ू लगा देती हूँ घर में, फिर मैं बर्तन ही क्लीन करूँगी। किचन पहले ही मैं क्लीन कर चुकी हूँ और बस पोछा लगा लूँगी, तो मेरा जो मॉर्निंग का काम है वो हो जाएगा। और एक बात कि हस्बैंड अगर घर में नहीं रहते हैं ना, सुबह अगर वो ड्यूटी जाते हैं ना, तो सुबह का काम जो है ना मैं एकदम फुर्सत से करती हूँ, कोई हड़बड़ाहट नहीं होती है, तो इसी वजह से कोई जल्दबाजी में नहीं करती हूँ, बिल्कुल आराम से करती हूँ। दरवाजे के पीछे जो दिख रहा है ना वो मेरे प्लास्टिक के बैग्स है, मतलब जो चीज़ें लाते हैं ना कुछ भी, जैसे ग्रोसरीज वगैरह लाते हैं छोटा मोटा, तो पैकेट्स रह जाता है, तो उसको मैं रख देती हूँ डस्टबिन में यूज करने के लिए।
पूरा घर मेरा ऑलमोस्ट क्लीन हो ही चुका है। तो झाड़ू, पहले तो मैं अपना किचन जो है ना, काउंटर टॉप वो क्लीन करती हूँ, मतलब झाड़ू लगाने से पहले करती हूँ, क्योंकि काउंटर टॉप में कुछ ना कुछ तो रह जाता है, तो वो नीचे गिरता है, फिर मैं झाड़ू लगाती हूँ। झाड़ू लगाने के बाद मैं बर्तन धोती हूँ, क्योंकि नीचे पानी गिरता है, और अगर झाड़ू लगाने से पहले मैं ये कर दूँ ना, बर्तन धो दूँ, तो ऐसे बिल्कुल गीला गीला हो जाता है, तो अच्छा नहीं लगता है। तो इसी वजह से मैं पहले बर्तन धोती हूँ, फिर झाड़ू लगा सॉरी पहले झाड़ू लगाती हूँ, फिर बर्तन धोती हूँ, फिर पोछा लगाती हूँ। सारा काम हो चुका है कंप्लीट सुबह का, और इतना ज़्यादा गर्मी है कि मैं क्या बताऊँ। और कल तो पूरा रात बारिश हुआ है, मेरे हस्बैंड जब गए तो इतना तेज़ बारिश हो रहा था ना, तो रेनकोट पहन के जाना पड़ा। इतना अभी तो बारिश नहीं हो रहा है, पर गर्मी बहुत ज़्यादा है, लग ही नहीं रहा कि ये विंटर का मौसम है। ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल जैसे समर होता है ना, बिल्कुल वैसा है, इतना गर्मी है। तो हमारा काम हो चुका है, अभी बनाना है ब्रेकफास्ट, और बनाना नहीं है मतलब आज ब्रेकफास्ट कुछ भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। कल मैं चिली गार्लिक चिली चिकन बनाई थी, वो थोड़ा सा है, तो दो रोटी बना लूँगी, मेरा ब्रेकफास्ट हो जाएगा। और बेटू के लिए तो केक है, तो वो केक खाएगी। ये लो, ये लो, सो आई के गुड मॉर्निंग बोल रहा हूँ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। देखिए नाच, देखिए। तो मैं आ चुकी हूँ नहाकर, और बेटू को भी मैंने नहला दिया है। आज माँ बेटी दोनों ने एक साथ नहाई हूँ, क्योंकि नहाना हो जाता है ना, तो ठीक है। और अभी मैं बनाऊँगी लंच, तो लंच में आज बनेगा फिश है घर, तो फिश बनाऊँगी और एक मिक्स वेज। तो मैं दिखाती हूँ, बस पहले निकाल देने से अच्छा होता। ये पारसे माच बोलते हैं ना हम लोग, पारसे माच को बिल्कुल हार्ड हो गया है जम के, तो पहले निकाल देने से अच्छा होता। अभी पानी में रखना पड़ेगा कुछ देर, बाद में ये बनाऊंगी। सबसे पहले सब्जी बनाऊंगी मैं, पालक वगैरह है घर में, और आवाज़ आएगा आप लोगों को। यहाँ पे जो ग्राउंड है ना नीचे, वहाँ पे घास वगैरह है, तो कट कर रहे हैं, तो इसी वजह से आवाज़ आ रहा है। जब तक फिश नॉर्मल मूड पे आता है, तब तक मैं अपना सब्जियां जो है वो कट कर लेती हूँ। और आज मिक्स वेज मैंने बोला, मतलब अभी विंटर है ना, तो पालक वगैरह तो अभी अवेलेबल है पूरा, मूली वगैरह, तो उसी के साथ देके बनाऊंगी। पालक, मूली, बैंगन, आलू, शिम और टमाटर डाल के एक सब्जी बनाऊंगी। तो पारसे माच जो है वो मैं एक दिन हिलसा फिश बनाई थी ना बैंगन के साथ, तो वही से ही बनाऊंगी। मेरे हस्बैंड को वैसा मतलब फिश करी जो है ना बहुत ज़्यादा पसंद है, ये मतलब ये सब जो होता है फिशेस, पारसे माच जो होता है वो भी उसका भी ना एक अलग सा स्मेल होता है ऐसे नॉर्मल फिशेस से, तो इसी वजह से वो ऐसे अच्छा लगता है मस्टर्ड पेस्ट के साथ बैंगन दे के बनाने से, तो वैसे ही बनाऊंगी। तो देखिए मस्टर्ड सीड का पेस्ट मैंने रेडी करके, अभी बॉइल्ड हो गया था पानी तो मैंने डाल दिया है, और वो जब तक तैयार होता है तब तक मैं पालक कट का रेव देती हूँ, क्योंकि पालक साफ करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, बहुत ज़्यादा गंदगी रहता है पालक में। तो अभी धो लूँगी मैं सारे सब्जियों को, और ये देखिए सब कुछ मैंने मिक्स करके दिया है, गाजर, बैंगन, आलू, सीम, तो ये बहुत ही टेस्टी होता है और जल्दी फटाफट से बन भी जाता है। ये भी मस्टर्ड सीड थोड़ा सा यूज करूँगी, और थोड़ा सा गार्लिक मतलब दे दिया है ग्रेट करके, बस मसाला भून लिया है, और उसके साथ मैं सब्जियाँ भूनूँगी, तो ये सब्जी भी फटाफट से रेडी हो जाएगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगी। और कुकिंग मेरा हो चुका था, नहाना भी हो चुका था, थोड़ा सा टाइम था मेरे हस्बैंड के आने में, और आज लेट भी हो रहा था, तो मैंने सोचा चलो बेटू को थोड़ा सा पढ़ाने के लिए बिठाती हूँ, और वो खेल रही थी, तो घर में आप घर का हालत देखो, पूरा खिलौना ही दिखेगा आप लोगों को, क्योंकि वो उसका पापा जब घर में रहता है ना, उसके पापा के पास बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करना चाहती है, पता नहीं क्यों, सिर्फ मस्ती सूझती है उसके पापा के साथ, सिर्फ मेरे पास ही वो पढ़ाई करती है। तो कुकिंग करने के बाद अभी यही टाइम मुझे सही लगा, क्योंकि शाम को तो वो घर में ही रहेंगे, तो वो तो पढ़ेगी नहीं, तो इसीलिए मैं अभी उसे लेकर अभी बैठ गई हूँ। अभी मैं बैठी हूँ बेटू को
लंच करवाने, मैं डिनर बोलने जा रही थी, तो बेटा तो सब्जी खाएगी नहीं, तो इसलिए फिश और राइस। देखिए इतना पढ़ाई किया कि उसका दिमाग ख़राब हो गया। अभी मोबाइल देखने से ही दिमाग थोड़ा सा सही होगा, अभी बच्चों को पढ़ाने में हमारा दिमाग ख़राब हो जाता है, उनका क्या होगा। हिंदी में बात करो, हिंदी बोली ना, ट्राई करो पार्वे। क्या है ये? मछली? नो, मछली नहीं है। अच्छे से देख के बताओ क्या है ये तुम्हारे हाथ में ये क्या है? तो चलिए फ्रेंड्स, मैं बेटू को अभी लंच करवा देती हूँ और मेरे हस्बैंड भी जस्ट अभी आते ही होंगे, और इस वीडियो को भी इसी के साथ मैं भी यही पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।